शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्यों भाई, क्यों दुकान खाली कर दूं मैं? कानून के हिसाब से अगर बात करो तो 17 साल के बाद किराएदार को मालिकाना हक मिल जाता जगह पर, लेकिन मैंने कभी इसे अपनी जगह कहा? हाँ जी, 70 रुपए किराया था जिसे बढ़ाकर मैंने 1300 रुपए कर दिया, और कभी आपको किराया मांगने की जरूरत पड़ी? तारीख के 2 दिन पहले देकर जाता हूँ। चावला साहब, आप शरीफ आदमी हैं, ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन इसकी बहन की शादी है। शादी है तो मैं क्या करूं, ये इनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। दो दिन से कट्टा लिए घूम रहा अपनी जेब में, अगर कल रात में इसे नहीं रोकता तो तेरी फोटो पर इसने हार चढ़ा दिया था। देख चावला, जिंदगी रहेगी तो और नई दुकानें आ जाएंगी। ला कागज दे, ये ले, साइन कर। माँ, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आप और भैया जो कर रहे हो वो सरासर गुंडागर्दी है। अगर ये गुंडागर्दी है तो मैं तो चाहूंगी कि हर घर में हम माँ बेटे जैसे गुंडे हों। माँ, क्या तुम भैया से प्यार नहीं करती हो? अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, बल्कि सच तो यह कि मैंने उसी से ज्यादा प्यार किया है। बचपन में उसे खरोच भी आती थी तो मेरी रात की नींद उड़ जाती थी। बहुत लाड़ से पाला है उसे। पता है, उसका स्कूल हमारे घर से 2 मील की दूरी पर था। जब वो चलते चलते थक जाता था मैं उसे गोद में उठा लेती थी। एक दिन बदमाश ने मुझसे कहा, माँ मैं थकता वकता नहीं हूँ, बस तुम्हारी गोद अच्छी लगती है। माँ, तुम भैया की शादी कर दो। कह तो रहा है कि कोई देख रखी है, बात करूंगा। क्या है? कल जो मैंने पूछा था उसका जवाब चाहिए मुझे। पुलिस कंप्लेंट नहीं, कोई FIR दर्ज नहीं होगी। मुझे मेरे बेटे के हत्यारे की लाश चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज़,
पहले हम आपको बता दें, आज होम मिनिस्टर मनोहर शिंदे की बेटी की किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी है। सूत्रों से पता चला है कि ये हत्या बदले की भावना से की गई है। कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। होम मिनिस्टर मनोहर शिंदे से हमने संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। पुलिस का कहना है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ ही दिनों में कातिल सामने आ जाएंगे। ऐसे निमन इसकी खातिरदारी करनी पड़ेगी। ओए, चल बोल, तूने मारा ना उसको। मेरी बहन कैसी है? अबे ओए, क्या पूछ रहे तेरे से? पहले बताओ मेरी बहन कैसी है। पहले तू ये बता कि तूने उसे मारा है कि नहीं। पहले ये बताओ मेरी बहन कैसी है। अरे बावड़ा हो गया क्या? तेरे से जो पूछ रहे उसका सुद्धा सुद्धा जवाब दे। तुम लोग क्यों नहीं बताते मेरी बहन कैसी है? अबे सब बता देंगे, पर तू ये कबूल कर कि तूने शिंदे साहब के बेटे को मारा है। तुम लोग पहले ये बताओ मेरी बहन कैसी है। भाई तू ऐसे नहीं मारेगा, बोल। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो सबसे पहले मुझे जान से मार देना। जी राज तिलक जी। शर्मा जी, ये पुलिस वाले एक बेकसूर इंसान को कस्टडी में लिए हुए हैं। कौन है वो? देवधर, सन ऑफ सीता देवी। और किस थाने में है? जनकपुरी थाने में। आप क्या चाहते हैं? बस इतना ही कि जब मैं अपने घर पहुंचूं, वहां मुझे मेरा बेटा मिलना चाहिए। जी देखिए, झगड़ा टंटा और बहसबाजी का कोई मतलब नहीं है। शिंदे साहब के बेटे ने जो कुछ किया है उससे पार्टी की छवि खराब हुई है। छवि खराब हुई है, हर तरफ थू थू हो रही है, पार्टी के नाम पर धब्बा लग चुका है। अब शिंदे साहब को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए। तुम नैतिकता की बात कर रहे हो? तुम दहेज के लिए बहू को जलाकर मार दिया और एक्सीडेंट बनाकर फाइल बंद कर दी, तुम नैतिकता की बात कर रहे हो? शिंदे साहब बौखलाहट में ये उल जुलूल बातें हमसे न करें। अपना कीचड़ दूसरों पर डालकर साफ सुथरे नहीं हो पाएंगे आप। आपके बेटे ने जो किया है उसका भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा। मनोहर शिंदे, कुर्सी छोड़ो। चुप, शांत हो जाइए। शिंदे साहब, आप मेरे साथ अंदर चलिए। आइए। मनोहर जी, होता है राजनीति में उतार चढ़ाव तो आता है। ऐसे वक्त पर जब हवा आपके खिलाफ हो, फैसले बहुत धैर्य और सूझबूझ से करने चाहिए। इस वक्त आपका इस्तीफा देना सिर्फ पार्टी के हक में नहीं, आपके हित में भी है। जी मनोहर जी, मैं ये बात पार्टी प्रेसिडेंट के हैसियत से नहीं, एक दोस्त के नाते कह रही हूँ। देखिए, आप एक काम करिए, आप इस्तीफा दे दीजिए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, और उसमें आप कहिए कि आपके बेटे से जो हुआ उससे आपके दिल को बहुत ठेस पहुंची है, बहुत दुख हुआ है, इसलिए आप इस्तीफा दे।